दिवाली खुशियों का त्यौहार है और इसमें हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। इसी कड़ी में वार्ड 64 के स्पोर्ट्स सेल्स के प्रेसिडेंट जमीर अहमद मिंकू ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो दिवाली के लिए सबको शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी दिवाली पूरे बंगाल को, पूरे बंगाली को नहीं, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी दिवाली, आप लोग खुशी खुशी दिवाली मनाइए। और ख़ास करके बंगाल के लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग बेफिक्र होके खुशी खुशी दिवाली मनाइए और सेफ होके दिवाली मनाइए। क्यों, बच्चे को सावधानी से रख के दिवाली मनाइए। वो पटाखा जो है बच्चे को थोड़ा दूर से ये कीजिए, ताकि आपके घर में कोई ऐसा मतलब हादसा ना हो। दिवाली के त्यौहार पे बहुत खुशी का त्यौहार है, ये त्यौहार हम लोग सब मिलकर ही करते हैं, तो इसमें कुछ हादसा ना हो। और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तय किए है कुछ दिन पहले से ही, तो इससे क्या कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे जुड़ चुके हैं? देखिए, हमको तो ये नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए बंगाल पे कांग्रेस का जो नामो निशान ख़त्म है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बंगाल पे कांग्रेस को और दोबारा कोई मतलब ये नहीं है। अब कांग्रेस, हाँ, एक रास्ता है कांग्रेस के लिए, वो जो है मतलब आपका बीजेपी के दलाली, उनके साथ अगर मिले, उनका दलाली करें, तो शायद कुछ हो सकता है। और 2024 में क्या दीदी मतलब राज कर पाएंगी? 100 बार मैंने सब टाइम यही बोला है कि ममता मतलब माँ, माँ का अचल, और माँ का अचल अपने लड़कियों के लिए रहता है। ठीक है, अब की बार ममता सरकार, आपको नहीं लगता उनके लिए कंपटीशन टफ है? कुछ नहीं, देखिए 2024 में कोई ऐसा टफ वाला कंडीशन नहीं है। और तूफान चलता है, हवा झड़ता है, पत्ता निकलता है, फिर वही घाँच में वही दख पे फिर वही पत्ता आ जाता है वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं। टफ ऐसा कुछ नहीं, खेला तो मतलब हम लोग 2021 में भी खेलें, 20 में भी खेलें, 21 में खेलें और 2024 में भी खेलेंगे, खेला तो हम लोग का है। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना ईजी नहीं है तृणमूल को मतलब अपने जगह पे आने के लिए। किसके लिए ईजी नहीं है? अरे जहाँ जो जगह हमारा है, जो जगह पे हम हैं, जनता हमसे मोहब्बत करती हैं, जनता हमारे बारे में जानती है। आप जितना भी इल्ज़ाम लगा लो, थोड़ा सा कुछ कल इल्ज़ाम लगा लेने से क्या मतलब वो ख़त्म हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग जो करना कीजिए। हम लोग खेलते हुए हैं और जीते हुए हैं, और खेला इंशाल्लाह ताला रहमान हम ही लोग जीतेंगे। और नासिर अली खान के बारे में मुद्दे में आपको क्या कहना है? अरे नाजिया वो पागल है, पागल है वो, उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या कौन धर्म से। कभी बोलती है कि मतलब वो पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। अरे भाई मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, यहाँ पे मिनी पाकिस्तान कर रहा कौन है? आप ही तो आवाज़ लगा रही हैं मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो चाहत है वो आपके अंदर में, आपके बीजेपी के अंदर में, उसको ख़त्म कीजिए। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो आराम से रहिए, सब एक साथ मिल के रहिए। देखिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, कोई भी नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। और यहाँ पर हम लोग बंगाल में इंसानियत का मतलब हम लोग इंसानियत ही क्या भूखा है। हमारे दीदी का कहना है कि कोई भी धर्म का इंसान हो या फिर कोई भी पार्टी करता हो, अगर उसका प्रॉब्लम है तो पहले उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बाद में देखते हैं हम लोग क्या करना। लेकिन प्रॉब्लम में हम लोग एनी टाइम खड़ा रहते हैं। आज बताइए नाजिया अली खान जो इतना बकर 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 बकर, ये जो पागल कतरी जो बक रही हैं, बॉबी हकीम, फराद हकीम, तो और क्या हम लोग का ममता बनर्जी, क्या इन लोग लॉकडाउन का टाइम में कहाँ थी? जिस वक्त इंसान को मतलब दरकार था इंसानियत का, उस वक्त इन लोग कहाँ थी? बीजेपी उस वक्त कहाँ थे? कहीं पर आप देखें कि बीजेपी का कोई भी ऐसा लीडर, या नाजिया अली खान या कोई भी ऐसा लीडर, ठीक है, सुमंदो अधिकारी, कोई भी लीडर को आप देखें कि लॉकडाउन पे मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, किसी का मदद करते हुए, किसी को हॉस्पिटल लेके जाते हुए। वो पूरा लॉकडाउन चल रहा है, पूरा वो मास्क लगा ली, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। अरे क्या दूर रहो, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। कोविड के टाइम में, ठीक है, कोरोना सभी को है,
सभी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पास भी प्रॉब्लम था। हम कैसा दौड़े, हम दौड़े कैसा दौड़े, किसके लिए दौड़े? अपने खुद के लिए, अपने इंसानियत के लिए। हमारा दीदी का ये आदेश था, दीदी को देखें कैसा सब्जी बाजार पे, उस कोविड के टाइम पे, एकदम कोविड चल रहा है, कोविड के टाइम पे दीदी खड़ी हैं, सबसे मिल रही हैं, हॉस्पिटल पे दीदी जाके खड़ी हैं। बीजेपी का कोई लीडर गया हॉस्पिटल? बीजेपी का कोई लीडर बाजार मार्केट सब्जी मार्केट पे गया? बीजेपी का कोई लीडर ठेला वाला रिक्शा वाला उसके पास में जाके चावल आटा दाल दिया? कोई लीडर से पूछा कि आपको क्या चाहिए है, आपका प्रॉब्लम क्या है? दीदी गई जाके खड़ी हुई। यही टीएमसी सरकार है, यही अच्छी सरकार है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, हमारी जो नेत्री हैं, हमारी ममता बनर्जी, तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, गोल्ड एंड यंग, तो इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है ना, हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा देगा। ये दो कॉम्बिनेशन बना है हिंदुस्तान को फ़ायदा देने के लिए। हिंदुस्तान का फ़ायदा जो है ऐसा है कि मतलब बंगाल पे से लेके पूरा हिंदुस्तान, ये दो कॉम्बिनेशन आपको हम गारंटी देते हैं कि ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ही फ़ायदा देगा, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी। तो लास्ट में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग अपनी माँ बहन से कहना ये चाहेंगे कि अगर हम लोग को यूपी नहीं बनाना, यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलवाना है, तो माँ बहन से यही कहेंगे कि अब की बार ममता जी के साथ आप ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के रहिए, इंशाल्लाह ताला रहमान। कोई भी धर्म क्यों, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सब जो है मतलब एक हवा का झोंका आ रहा है मोमिनपुर, तो मतलब जितना भी मतलब ये चल रहा है, ठीक है, नमो अभियान जो भी चल रहा है, ये सब हवा का झोंका है। वो सब बीजेपी की साजिश है, ये साजिश कर रहे हैं, ठीक है। इस साजिश से हम लोगों को जाएगा जाएगा नहीं, वो लोग करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। लेकिन 2024 जो है, अब की बार ममता सरकार। जय हिंद।